आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने आज गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के उग्रवाद प्रभावित उपरघाट इलाके में राजद प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी के समर्थन में जनसंपर्क अभियान चलाया। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि एनडीए झारखंड में बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रही है, जिसको देखकर महागठबंधन दल हताश हो गया है। झारखंड के 14 लोकसभा सीटों पर एनडीए प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। सूर्य की तपसी भी लोगों के मतदान का उत्साह कम करने में सफल नहीं हो पा रही है। जितना नजदीक चुनाव के मतदान के नजदीक हम लोग आएंगे सीट का उत्साह उतना दुगना होते जाएगा और ये सूर्य की तपिस भी प्रभाव नहीं डाल पाएगी क्योंकि राजनीति का तपिस बहुत बड़ा होता है। अब क्योंकि झारखंड में दो चरण का चुनाव हो गया, तीसरा चरण होगा, क्या लगता है, क्या आप देख रहे हैं दो चरण का चुनाव और तीसरा चरण का जो चुनाव? जो संकेत आ रहे हैं, शुरुआती दो चुनाव हो गए, प्रथम चुनाव के बाद दूसरे चुनाव कल हुआ है, ये संकेत यही है कि एनडीए बड़ी जीत की ओर आगे जा रहा है। एक चीज है कि जिस तरह से बीजेपी के बड़े नेताओं का बयान आने लगा है कि पूर्ण बहुमत में सरकार नहीं आने जा रही है, नहीं ऐसा कोई बयान नहीं है। ये बयान तो कांग्रेस के नेताओं का आया था। एक्चुअली कुछ राज्यों में ही सिमटी हुई कांग्रेस अब बड़े सपने देख रही है। निश्चित रूप से एनडीए की गवर्नमेंट आएगी और